नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आइए सबसे पहले देख लेते हैं 15 सेकंड में खबरें। मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता भारत में होगी, 27 साल बाद मिली मेजबानी। ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन बोली, दुनिया को दिखाएंगे भारतीय सभ्यता और संस्कृति। आरबीआई ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव, नहीं बढ़ेगी आपके लोन की ईएमआई। रेपो रेट 6.50% पर बरकरार। कांग्रेस के कई प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, संगठन विस्तार को लेकर हुआ मंथन, बदले जा सकते हैं पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष। थाने के मीरा रोड में श्रद्धा वालकर जैसी दरिंदगी, लिव इन में रहने वाली महिला की हत्या के बाद शव के किए टुकड़े, 16 जून तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया आरोपी। लखनऊ शूटआउट मामले में मुख्यमंत्री के आदेश पर एसआईटी ने शुरू की जांच, 7 दिन में रिपोर्ट देने का आदेश। अस्पताल पहुंचकर यूपी के सीएम योगी ने घायल बच्ची और सिपाही से की मुलाकात। हनुमान भक्ति के बाद की पूर्व सीएम कमलनाथ की कृष्ण भक्ति, भगवान कृष्ण के शरण में कमलनाथ, कहा भारत की सबसे बड़ी ताकत आध्यात्मिक। कांग्रेस का एक और चुनावी वादा, पूर्व सीएम कमलनाथ ने किया ऐलान, गांव के पटेलों को मानदेय देने का ऐलान किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सुधीर ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कांग्रेस को बताया विभीषण, मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां भी गिनाई। न्यूज 18 से बोले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, बिजली उपभोक्ताओं का रखा जाएगा खास ख्याल, 6 महीने तक प्रदेश में बिजली आपूर्ति नहीं होगी प्रभावित। गंगा जमुना स्कूल मामले में राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष ने लिखा पत्र, दमोह के कलेक्टर और एसपी को लिखा पत्र, स्कूल में इस्लामी प्रथा लागू करने के मामले में केस दर्ज करने की मांग की। आखिर जिंदगी की जंग हारी मासूम सृष्टि, 52 घंटे बाद निकाला बोरवेल से बाहर, व्यवस्था पर फिर से उठे सवाल। प्रियंका गांधी के जबलपुर दौरे पर गरमाई सियासत, बीजेपी ने निशाना साधा प्रियंका पर, प्रियंका गांधी के पास संगठन का नहीं है कोई अनुभव। केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कांग्रेस को घिरा, कहा कांग्रेस को सत्ता चाहिए, देश जाए चैनमय। बेसबॉल प्लेयर संजना आत्महत्या मामले में पुलिस की कार्रवाई, अब्दुल मंसूरी नाम के युवक को किया गिरफ्तार, आरोपी पर संजना को परेशान करने का आरोप। देश के मुसलमानों को आईएस नियाज खान की सलाह, धर्म परिवर्तन का विरोध करें, मुस्लिम भाई गौरक्षक बने, जबरन धर्म परिवर्तन इस्लाम में प्रतिबंधित। आईएस नियाज खान के ट्वीट पर कैबिनेट मंत्री विजय शाह का बयान, बीजेपी किसी धर्म का नहीं करती विरोध, सभी करें अपने ईश्वर की आराधना और प्रार्थना। राजनांदगांव में रमन सिंह ने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा, कहा प्रदेश की कांग्रेस सरकार से सभी वर्ग परेशान, सरकार के खिलाफ प्रदेश में चलाएंगे अभियान। लव जिहाद और धर्मांतरण पर बोले केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, सनातन धर्म को खत्म करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश, इस साजिश को किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे पूरा। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर पलटवार किया, कहा रमन सिंह के समय जितने चर्च बने उतने कभी नहीं बने, 15 सालों में जितना धर्मांतरण हुआ उतना कभी नहीं हुआ। दुर्ग में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन, सम्मेलन को सीएम भूपेश बघेल ने किया संबोधित, चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को दिए गए टिप्स। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने मंत्रियों से मांगी 4 साल के कार्यकाल की रिपोर्ट, विधानसभा क्षेत्र और मैदानी लड़ाई में परफॉर्मेंस का मांगा ब्यौरा। कुमारी शैलजा का मंत्रियों से रिपोर्ट कार्ड मांगने पर बीजेपी ने निशाना साधा, पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा मंत्रियों का नहीं मुख्यमंत्री का रिपोर्ट मांगे शैलजा। धमतरी में व्यापारी से 4 लाख की उगाही की कोशिश, व्यापारी के घर पर्चा फेंक कर दी हमले की धमकी, साइबर सेल ने आरोपी को रायपुर से पकड़ा। मनेंद्रगढ़ में परिवार ने लगाई इच्छा मृत्यु की गुहार, कलेक्टर से लगाई इच्छा मृत्यु की मांग की, प्रशासन पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। पटवारियों की हड़ताल पर एस्मा लगाने का नहीं दिखा असर, पटवारियों ने चलाई एस्मा की कॉपियां, 15 मई से हड़ताल पर है पटवारी संघ।